मोसंबी। ओके अभी नहीं बोल सकता। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल मोसंबी पर। मेरा नाम है पामी और आज मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट क्यों खेलते हो। एंड आई बिलीव किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता कि हम लोग माइनक्राफ्ट क्यों खेलते हैं, क्यों आते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, क्यों वही घिसे पिटे घर बनाते हैं, क्यों भैंस की कितना मस्त लग रहा है यार। ओके मस्त है गेम, ये एक रीजन हो सकता है। बाय द वे क्वेश्चन ये है कि हम क्यों यहाँ पर आते हैं, क्यों घिसे पिटे घर बनाते हैं, क्यों वही इंचांटमेंट्स लेके वही नेदर के अंदर जाके वही लावा बकेट बना के वही वाटर बकेट बना के वही घिसे पिटे ड्रैगन को फिर से मार के फिर से जिंदा करके फिर से मार के फिर से जिंदा करते हैं, क्यों करते हैं ये चीज। और जब मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो मेरे सामने आई ये वाली वीडियो। तो ऑब्वियसली गाइस आज के कॉन्टेंट सप्लायर हमको मिल चुके हैं भाई, जो की हमें कॉन्टेंट भी देंगे और हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। एक तीर से दो शिकार। ऐसे कंटेंट सप्लायर है AOC Tales। ऑब्वियसली गाइस मैंने इनको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है अपने दूसरे अकाउंट से, लेकिन यहां से भी सब्सक्राइब कर लेता हूं। और अगर आप भी चैनल के ऊपर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज बहुत सारे बंदे जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वी सो क्लोज टू 2 मिलियन, प्लीज एक छोटा सा साप छोड़ दो उसके ऊपर। तो चलिए ब्रो शुरू करते हैं। और इसको भी गाइस बहुत सारे लोग कमेंट में यही आई थिंक बोल रहे होंगे कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी क्या है। माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम जो अगर आपने नहीं भी खेली है, चांसेस हैं कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। माइनक्राफ्ट कुछ ऐसी गेम्स में से है जो नए प्लेयर्स को देखने में इतनी खास नहीं लगती, पर अगर आप एक बार बेसिक सीख जाओ तो इतनी एडिक्टिव गेम है कि आप पूरे दिन उसे खेलते हुए निकाल सकते हो और फिर भी वो आपको कम लगेगी। इसलिए आज की मेन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग रखना चाहता था, अगर आपने अभी तक माइनक्राफ्ट नहीं खेली आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, और आप में से जो पहले ही खेल रहे हो तो आप जानते हो कि अब देर हो चुकी है और आप इसे देखकर हंस सकते हो। पर एक चीज जो दोनों में ही कॉमन है वो ये है कि अगर आप पहली बार माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या फिर आपने अभी अभी एंडर ड्रैगन को मारा है, आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी क्या है, आपको इसमें क्या करना था। फिक्र मत करो, हर चीज की एक स्टोरी होती है। सेकंड मेरे को लगा था कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी लाइक एक बंदा है, मेरे पास अपनी एक स्टोरी है माइनक्राफ्ट की, जो बेसिक जब मैं बाइकिंग करता हूँ तब मैंने सोची थी। तो मेरी स्टोरी है कि एक एडवेंचरर आता है माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर, उसको पता लगता है कि ड्रैगन जो है एंड से बाहर आने वाला है और पूरी माइनक्राफ्ट तबाह कर सकता है। तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि उसको एंड के अंदर जाके ड्रैगन को मारना है, लेकिन जहां तक कि मेरा ख्याल है उसको पता नहीं है कि माइनक्राफ्ट के अंदर ड्रैगन है कि नहीं है। तो यार ये स्टोरी नहीं, ये तो अपने आप में क्वेश्चन हो गया। माइनक्राफ्ट एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो भरी है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स, प्यारे जानवर और ऐसे सवालों से जिनका कोई भी जवाब सही नहीं लगता। पर बावजूद किसी भी सही जवाब या सही एंडिंग के नहीं होने पर भी, जब हम माइनक्राफ्ट की इस दुनिया को हमारे मेन करेक्टर्स टीप और एलेक्स की आंखों से देखते हैं, तो ये ब्लॉक से बनी दुनिया भी जिंदगी से भर उठती है। और जब हम चीजों को क्राफ्ट करना शुरू करते हैं तो क्या लाइन बोली है भाई, तो चीजें कुछ कुछ समझ आने लगती हैं और हमें अपना असली मकसद समझ आने लगता है, और वो है एंडर ड्रैगन को खत्म करना। okay. पर अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें करनी पड़ती है माइनिंग, ताकि हम जा सके इस गेम के नर्क में, यानी कि नेदर में, जो बड़ा होता है, बड़े लावा से बने समुंदर, कुछ डरावनी आवाजें और मेन वर्ल्ड की ही तरह वो बड़ा है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर और अजीब सी चीजों से। पर वहाँ हमारे करेक्टर को ढूंढना पड़ता है नेदर फोर्ट्रेस, जिसमें रहते हैं ब्लेज। ब्लेज एक खास मॉन्स्टर है जो हमें ब्लेज रॉड देता है, जो हमारा पहला कदम होता है गेम के एंड की ओर। पर गेम के एंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एंड पोर्टल को खोलने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंडरमैन, एक रहस्यमय क्रिएचर जो हमारी तरह ब्लॉक्स को उठा सकते हैं, पर किसी कारण से अगर उनकी आंखों में कोई देखे तो वो उस पर अटैक करने लगते हैं। पर कुछ खतरनाक फाइट्स और 12 एंडरमैन को मारने के बाद हमारे हीरो के पास होंगे एंडर पर्ल, जिसे वो जब ब्लेज पाउडर से मिलाता है तो उसे मिलती है आई ऑफ एंडर। आई ऑफ एंडर आखिरी चीज है जो हमारे हीरो को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है, और वो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो किसी जेल की तरह है, उसकी सबसे गहराई में मिलता है एक एंडर पोर्टल, और जब हमारा हीरो उसमें बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए एंडर पर्ल रखता है तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, मेरे मैं जितनी लंबी वीडियो इसकी देख रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में उतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसने सोचा कि एंडर पर्ल और ब्लेस पाउडर को कंबाइन करके बनता है आयो वेंडर? किस कैसे आयो वेंडर स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ हमेशा क्यों जाता है? स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जेल क्यों है? लाइक भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर। होता है एक रास्ता एंडर वर्ल्ड की ओर। एंडर वर्ल्ड जो एक अजीब सी दुनिया है,
और जहाँ रहते हैं एक पूरी आर्मी एंडरमैन की और उनके साथ उनका बॉस और आपका अल्टीमेट दुश्मन एंडर ड्रैगन, जिसके साथ एक लेजेंडरी लड़ाई के बाद फाइनली आप बनते हो ड्रैगन स्लेयर। और आपकी इस बहादुरी भरे काम के लिए आपको मिलता है 150,000 XP, इतना ज्यादा कि आप नहीं जानते उससे आप क्या करोगे। पर ये सब करने के बाद आप सोचते हो कि अब आखिरकार आपको मिलेगी स्टोरी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसलिए आप लगाते हो छलांग पोर्टल में सिर्फ ये पाने के लिए कि आपको मिलती है एक अजीब सी पोएम, पर आप वापस आ जाते हो अपने लास्ट ट्री। सबने जिसने पहली बार माइनक्राफ्ट खेली होगी ना, सबको लाइक मेरे को थोड़ी बहुत ठंड लग रही है तो मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। तो यार सबने ड्रैगन को मार के जब वो पोर्टल खुलती है ना, सबको लगता है दिस इज इट, अब भी हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। लेकिन जब वो आते हैं तो ये आ जाता है कि भाई चलो भाई घर जाओ, हो गया घर जाओ, निकलो यहाँ से इस स्पॉन पॉइंट पे। तो क्या माइनक्राफ्ट की यही स्टोरी थी? तो क्यों फिर हमारे हीरो इस दुनिया में अकेले हैं? और अगर वो इस दुनिया में अपना सफर खाली हाथ बिना किसी गाइड से शुरू करते हैं तो फिर ऐसा कौन था जो हमारे हीरो से पहले वहाँ था, जिसने सबसे पहली बार नेदर पोर्टल बनाया था? क्यों एंड पोर्टल एक बड़ी सी जेल जैसी जगह में बंद किया गया है? एंडरमैन टेलीपोर्ट कैसे करते हैं? क्यों हमें नेदर पोर्टल टूटे हुए मिलते हैं? और हीरो ब्राइन असल में है या फिर वो एक मिथ है? इतनी सारी स्टोरी एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम आने वाली वीडियोस में इनके जवाब भी जानेंगे। पर आज हम फोकस करेंगे माइनक्राफ्ट के ओरिजिन पर कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। देखा कैसे कंटेंट ले रहा है ये लेकिन चलो गाइस इसकी पूरी सीरीज मेरे को देखनी है और पता करना कि आखिरकार माजरा क्या है। माइनक्राफ्ट की स्टोरी शुरू होती है स्टीव और एलेक्स के आने से कई साल पहले, जब माइनक्राफ्ट में और भी विलेजर रहते थे और किसी भी विलेजर की तरह वो खेती करते, चीजें बनाते और नई नई इन्वेंशन करते। पर किसी समय कोई नहीं जानता कब उन्होंने ऑब्सीडियन की खोज की, जो एक बहुत ही रहस्यमय मटेरियल था। और उस समय के बिल्डर बहुत समझदार थे, पर ऑब्सीडियन को समझ पाना उनके लिए भी मुश्किल था। पर अपनी समझ से उन्होंने पाया कि ऑब्सीडियन कोई आम चीज नहीं थी, और अगर वो उसे डायमंड से जोड़ दें तो वो कुछ जादुई चीजें कर सकता है। और उसके साथ पहली बार पुराने समय के बिल्डर्स ने मैजिक करना सीखा था और वो एन्चेंटर्स बने थे। पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि ऑब्सीडियन को इस्तेमाल करने की उन्हें एक कीमत भी चुकाने पड़नी थी, और वो था अगर उन्हें ज्यादा ताकतवर मैजिक को इस्तेमाल करना था तो उन्हें अपनी आत्मा का उतने ही ज्यादा हिस्से को उसके बदले में उसकी कीमत की तरह देना पड़ना था। वो शुरू में मैजिकल बुक्स और चीजों को एन्चेंट करके बहुत खुश थे, पर धीरे धीरे वो अपनी आत्मा को खोने लगे। पर सभी वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन एक विलेजर ने पाया कि ऑब्सीडियन को अगर एक खास तरीके से रखा जाए तो वो अपनी खोई हुई आत्मा को वापस भी ला सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने खोला नेदर वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल। पर नेदर उनके लिए एक नई जगह थी जहां जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ अजीब चीजें करनी पड़ी। वो नेदर तो पहुंच गए थे, पर जब तक वो वहां से बाहर निकले वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। उन्हें नेदर में रहने की आदत हो गई थी और वापस लौटना अब मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नेदर में ही अपने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। और जो नेदर से बच भी निकले थे उन्होंने नेदर पोर्टल को तोड़ने की कोशिश की ताकि कोई भी उस जगह फिर से नहीं पहुंच सके। और इस सब में उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे, और मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें मैजिक का इस्तेमाल फिर भी करना पड़ा। और ये सब होने के बाद भी उन विलेजर्स ने उस जगह भी किसी तरह रहना सीख लिया था। पर एक दिन उन्हें अचानक से एक अजीब सी चीज दिखी, और वो चीज टेलीपोर्ट कर सकती थी। विलेजर्स को याद था कि उन्होंने उस जैसी चीज नेदर में भी देखी थी। वो रहस्यमय था, पर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड यार, ये एंडरमैन लाइक विलेजर ने पहली बार ये चीज एंड में भी देखी? ओह या ऑब्वियसली एंडरमैन एक ऐसी एंटिटी है माइनक्राफ्ट के अंदर जो कि तीनों स्टेजेस पर आपको मिल सकती है, ओवरवर्ल्ड में भी, नेदर में भी और अंडरवर्ल्ड में भी। लाइक हर एक जगह पर ये चीज जा सकती है। आई थिंक ये इनके पास कोई ना कोई टाइम की शक्ति होगी जो टाइम का उपयोग करके ये कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं और किसी स्टेज पर भी जा सकते हैं। मे बी थ्री डायमेंशनल जिंदगी जी रहे होंगे। भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, तो यार मे बी 3D जिंदगी जी सकते हैं। आई डोंट नो, लंबे समय तक तो विलेजर्स उससे डरते रहे। पर एक दिन एक बहादुर विलेजर ने उस अजीब सी चीज को मार दिया। पर जब वो मरा तो उसने एक अजीब सा पर्ल दिया जो विलेजर नहीं जानते थे कि वो क्या था। पर वो सोच रहे थे कि अब उन्होंने उसे खत्म कर दिया है, पर ऐसा सोचना गलत था क्योंकि अगले ही दिन उस जैसी और भी अजीब सी चीजें विलेज के आसपास दिखने लगी। शुरू शुरू में विलेजर्स जब भी उन्हें देखते तो उन्हें मार देते थे, और ऐसा कुछ दिन चला। पर कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वो उसे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके व्यवहार को पढ़ने लगे। और उसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी नॉलेज से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना दी। और एक दिन आखिरकार उन्हें समझ आया कि
कि वो चीज उन्हें कुछ बनाने के लिए कह रही थी और वो चीज थी एक एंड पोर्टल। इसलिए विलेजर्स ने अपनी इकट्ठी की हुई नॉलेज से एक एंड पोर्टल बनाया और एंडरमैन के द्वारा। तभी ब्रूस, तभी मैं सोचूं कि हर एक एंड पोर्टल में लाइक जहां पर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तभी मैं सोचूं कि वहां पर लाइब्रेरी क्यों है, वहां पर रिसर्च चली होगी। अरे भाई इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दिए गए एंड पोर्टल की मदद से वो एंड वर्ल्ड में पहुंच गए और एंड वर्ल्ड में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां उस अजीब सी चीज की एक पूरी आर्मी थी और उन पर एक ड्रैगन उड़ रहा था। उन्होंने उस जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विलेजर्स एंड वर्ल्ड में नहीं गए थे और जो विलेजर्स पीछे रुक गए थे, जब उन्होंने देखा कि विलेजर्स वापस नहीं लौटे, उन विलेजर्स ने उस पोर्टल को बंद कर दिया और एक बड़े से जेल के अंदर जमीन के नीचे छिपा दिया और उसके साथ ही उन्होंने सभी नेदर पोर्टल्स को भी तोड़ दिया ताकि कोई नेदर वर्ल्ड में भी नहीं जा सके। और उसके साथ ही उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल भी कम कर दिया और धीरे धीरे अपने विलेज में एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया शुरू होती है और हमारे हीरो निकलते हैं अपने सफर पर। आई थिंक वो जेल इसलिए बना होगा कि जब वो अगर बाय चांस कोई बंदा नेदर से वापस या एंड सिटी से वापस आता है तो वो बंदा, विलेजर्स लोग उस बंदे को मे बी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जेल के अंदर बंद करते होंगे। जैसा सज्जन ने बताया ना कि उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई बंदा वापस ना आए और उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल भी कम कर दिया। लेकिन अगर बाय चांस एंड में या एंड सिटी में या नेदर में कोई फंसा होगा, ऑब्वियसली वो भी उसका दिमाग भी तो बहुत चालू होगा ना। तो अगर उसने चालू दिमाग का यूज करके फिर से नेदर पोर्टल बनाई और बाहर आया तो ये लोग इसको पकड़ के एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड की जेल में डाल सकते होंगे। आई थिंक ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। बाकी इसके ऊपर गाइस आप लोगों का क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो स्ट्रीम या शॉर्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।